क्या लाल सिंह चड्ढा से नागा चैतन्य मचाएंगे तहलका? आखिर नागा चैतन्य तलाक के बाद किस लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं? कौन है ये एक्ट्रेस? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, साफ सुपरस्टार नागा चैतन्य और समंता पिछले काफी टाइम से अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में रहे। अब दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के बाद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। समंता जहां अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, वहीं नागा एक बार फिर से किसी एक्ट्रेस के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। नागा एक बार फिर से अपनी लव लाइफ को मौका देने के मूड में है और तलाक के कुछ ही महीनों बाद उनकी ये तलाश भी पूरी हो चुकी है। खबर है कि इन दिनों नागा चैतन्य एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला को डेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर को हाल ही में शोभिता के साथ उनके घर में स्पॉट किया गया। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नागा ने हैदरा के जुबली हिल्स में एक नया घर खरीदा है, हालांकि अभी इसमें काम चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस घर में दोनों को एक साथ काफी कंफर्टेबल पाया गया। रिपोर्ट्स की माने तो नागा चैतन्य शोभिता को अपना आलीशान घर दिखा रहे थे। इस दौरान दोनों काफी खुश लगे। घर का दौरा करने के बाद नागा और शोभिता कार में भी एक साथ जाते हुए दिखे। इसके बाद से ही दोनों के रिलेशन को लेकर बाजार गर्म है। अभी तक नागा चैतन्य और फिर शोभिता ने इस खबर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। बात करें समंथा और नागा की, तो 6 अक्टूबर 2017 को गोवा में इनकी शादी हुई थी और पूरे 10 करोड़ की इन्होंने ग्रैंड वेडिंग की थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं टिक पाई। 4 साल से भी कम चली इस शादी का अंत हुआ तो तलाक पर। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब नागा चैतन्य लाल सिंह चड्ढा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। वो डेब्यू करने वाले हैं। इससे पहले विजय सेतुपति इस फिल्म में थे, लेकिन नागा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। बड़े हुए वजन के कारण विजय को आउट कर दिया था हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने, क्योंकि हर चीज़ उन्हें परफेक्ट चाहिए होती है। इसके बाद नागा की एंट्री हुई है और फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको लाल सिंह चड्ढा का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।